नमस्कारम दोस्तों, चावल बस बनने वाला है। अजवाइन के पराठे संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट में अजवाइन नमक के पराठे बन रहे हैं। ये किसने बनाया? शाही पनीर पतिदेव ने बनाया है। पतिदेव के हाथ का खाना मिल रहा है आज। ये भिंडी भी अरे ये थोड़ा सा उस टाइप नहीं बना, खिचड़ी जैसी होगी। ये तो नमक डाला था इसमें आपने? हाँ हाँ। तो इसको निकालना, पता नहीं, ध्यान नहीं मुझे। कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ चावल चढ़ाया है इन्होंने और मैं बना रही हूँ पराठे। और ये सारा खाना अभी हम ब्रेकफास्ट में खाएंगे। ये भी ब्रेकफास्ट हो जाएगा हमारा, पराठे वराठे। और उसके बाद सिद्धार्थ के लिए लंच बना के और हम लोग को निकलना है बाहर। कल भी पूरा दिन हमारा बाहर निकल गया, छुट्टी दो ही दिन की मिली है और अगले हफ्ते एक ही दिन की छुट्टी है। तो इसको हम पूरा वसूल करना चाह रहे हैं। और जो हमें 2 अक्टूबर की छुट्टी है ना हमारी? अच्छा, 2 अक्टूबर की है, लेकिन थोड़ा आराम कर लेंगे उस दिन अगर आज सारे काम हो गए। तो सोच रहे हैं एक बार पर्दे देखाएं। और कल हम लोग गए थे पचकुया मार्केट, वो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा। वहाँ पे एकदम मार्केट ना बंद होने वाली थी, 7:15 बजे हम वहाँ पहुँचे और 8:30 बजे मार्केट बंद हो गई सारी। तो वहाँ पे एक दो चीज़ हमें जो पसंद आई ना, वो हम बुक नहीं करवा पाए। अभी बस बुक करवा रहे हैं, आएंगे वो नवरात्रों में ही। तो इसीलिए आज दोबारा जाना पड़ेगा वहाँ पे, ताकि जो चीज़ हमें पसंद आई है उसको हम बुक करवा के आ जाए। एक तो हमने बुक करवा दी है, दूसरी उन लोग के पास टाइम ही नहीं था, वो लोग बंद कर रहे थे मार्केट को, तो इसीलिए वापस आना पड़ा। तो वो भी करना है। और पर्दे के लिए देखते हैं हम लोग, पर्दे के लिए भी हम लोग जाएंगे आज, ताकि बेडरूम के पर्दे भी हम फाइनल करते हैं। तो ये प्लान है कुछ, इसीलिए ढेर सारा खाना बना लिया ताकि छुट्टी रहे हमारी दिन की। तो ये बनाती हूँ गर्म गर्म पराठे। मीनवाइल मैं नहा लेता हूँ। फाइनली सब काम करते कराते हम निकल चुके हैं। 3:30 बज रहे हैं अभी, हम निकले हैं बस, जस्ट अभी निकले हैं। तो कितना 1 घंटा लगेगा पहुँचने में? 45 मिनट लगेगा। 45 मिनट्स 50। ट्रैफिक टू कितना मिले बस, फिर हम जाएंगे। सबसे पहले तो अभी पचकुया जा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कहीं और। वहाँ पे पर्दे वगैरह नहीं मिलते हैं, तो पर्दे की मार्केट कहीं दूर है, लाजपत नगर या जानू। मुझे लगता है हमें कभी नहीं, पर्दे नहीं दिखे कभी। कुशन्स हैं, गद्दे हैं, कारपेट है। उसके एक आगे मार्केट है, पर्दा है ना, जहाँ से बहुत पहले लिया था हमने। और हम लोग सोच के तो यही निकले थे कि पर्दे का भी कुछ मार्केट में चले जाएंगे, देख लेंगे। पचकुया में पर्दे वगैरह के ऑप्शन नहीं है ना, बट पूरा दिन यही निकल गया। 4:30 बजे तक तो हम पहुँचे ही, फिर शाम तक यही निकल गया, फिर हम घर ही चले गए थे। तो पर्दे तो नहीं देख पाए, पर हमें ड्राइंग रूम के लिए पेंटिंग्स जैसी चाहिए थी, जिस मेज़रमेंट में चाहिए थी, साइज़ होता है ना एक जो हमें मोल्डिंग के बीच में लगानी है, वो मिल गया हमें। जब आप इस टाइप की मार्केट में जाते हो ना, तो आपको बहुत घूमना पड़ता है। अगर एक चीज़ आपके दिमाग में है, तो वही एक चीज़ आपको 10-15-20 दुकानों पे ढूंढनी पड़ सकती है। तो चीज़ एक लेनी होती है, पर उसके लिए घूमना बहुत होता है। तो चलिए घूमते फिरते, मतलब एक भी कोई चीज़ अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो लगता है कि कुछ काम हो गया। तो पेंटिंग हमारी फाइनल हो गई थी। शाम की चाय हमने यहीं पर पचकुया के बाहर छोटा सा एक स्टॉल लगता है, वहाँ से चाय पी, थोड़ी सी नमकीन खाई। और उसके बाद फिर हम लोग मार्केट में गए। सेंटर टेबल पिछले 1.5 साल से मेरे घर में नहीं है, जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए ना न्यू घर में, तो शुरू में ही मैंने उसको दे दिया था। और पिछली दिवाली से पहले ही हमको उसे ख़रीदना था, जा ही नहीं पाए कहीं और वो रह ही गया। तो 1.5 साल से बिना सेंटर टेबल के चल रहा है, बट बहुत ऑकवर्ड सा लगता है जब कोई आता है ना, तो चाय वगैरह रखने के लिए एक बीच में सेंटर पीस तो होना चाहिए। तो वो हमने पूरा मार्केट में ढूंढा, लेकिन जैसा डिज़ाइन हमारे दिमाग में था ना, वैसा हमको मिला नहीं। एक जगह हमें बहुत पसंद आया एक, लेकिन क्या था, वो बहुत बड़ा था और हमें उसमें छोटे साइज़ में बनवाना था, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं बना सकते हैं। फिर हमने सोचा चलो एट होम चलते हैं वापसी में। तो एट होम आ गए हम यहाँ पे, और यहाँ हम देख रहे थे
हमें लगा कि सेंटर टेबल शायद यहाँ ऑप्शंस हैं क्योंकि फर्नीचर वगैरह भी यहाँ पे मिलता है तो मिल जाए, बट यहाँ की महंगाई देख के तो फिर आंखें खुली की खुली रह गई हमारी, क्योंकि हम पंचकुया रोड से आए थे जहाँ इतना सस्ता सामान मिलता है, उसके बाद यहाँ आए वही पेंटिंग जो हम 1700-1800 की लेके आए थे ना, वो पेंटिंग यहाँ पे 3000-4000 इस रेंज में मिल रही थी सेम पेंटिंग्स। तो मतलब और बाकी चीज़ों का प्राइस भी बहुत ज़्यादा था। यही सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये फाउंटेंस वगैरह बहुत रीज़नेबल प्राइस और बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन आपको पंचकुला में मिल जाते हैं। तो हमारी तो आदत है, हम लोग जहाँ हमको लगता है कि सस्ता मिल रहा है हम वहीं से लेते हैं। उसके बाद घर आए, घर आके खाना पीना खाया, जो सुबह बनाया था वही लेफ्ट ओवर काफ़ी कुछ रखा था तो उसी से हमारा डिनर भी हो गया, तो पूरे दिन का खाना आज सुबह ही बन गया था। खाने के बाद फिर हम निकले, सिद्धार्थ की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशनरी थी जो हमें लेनी थी क्योंकि अक्टूबर में फर्स्ट 3 डेज़ उसके बैगलेस डेज हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, तो एक लंबी लिस्ट आई हुई थी स्कूल की तरफ से स्टेशनरी की, तो वो उसको दिलाया और वापसी में संडे मार्केट लगता है हमारे घर के पास ही, तो यहाँ से पूरे वीक की सब्जियाँ भी हमने ले ली। तो आज भी सुबह से शाम तक हमारा जो दिन है कुछ ऐसा ही रहा। और वापस आने के बाद हस्बैंड ये लैंप जो है इसको असेंबल करने लगे, ये भी हमने पंचकुला रोड से ही लिया है। और वैसे तो पहले हमारा प्लान बिल्कुल भी नहीं था कि हम अपनी साइड टेबल पे कोई लैंप वगैरह प्लेस करेंगे, लेकिन मैं एक शॉप पे गई और वहाँ पे ये मुझे एकदम हमारे घर के इंटीरियर बेड वगैरह के साथ मैच होता हुआ, नीचे जो गोल्डन इसके जो नीचे बेस है वो भी गोल्डन था जो कि हमारी लाइट से मैच हो रहा है, और जो हमने चीज़ें सोची हैं उससे पूरा मैच जा रहा था, और बहुत छोटा था एकदम, मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे साइड टेबल के लिए बना है ये। तो फिर मेरा दिल नहीं माना, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये, तो ये हमने परचेज़ कर लिया था, ये साइड टेबल है। तो ये अभी असेंबलिंग चल रही है इसकी, और ये टच से मतलब लाइट चेंज होती है इसमें, तो बहुत ही प्यारा सा है और बहुत अच्छा लगता है जब आप इसको लाइट करो। क्या हुआ, तुम गिनतियां गिन रहे थे? फिर जाओगे? पता नहीं इसको क्या सवार है, जब से बेड आया है तब से इसको मन है कि वो उसकी पन्नियां फाड़ दे, जो हमारे मेंटेलिटी की जब तक पन्नियां चल रही है चलने दो, और ये एकदम पीछे पड़ा है पन्नियां फाड़ने के। क्या बोलते हो, फाड़ने दे, क्या करें है? 2 मिनट रुक जाओ, पापा सोच रहे हैं, रुक जाओ। क्यों इतना परेशान? रुक जा, पहले ये वाला सेट कर लेते हैं ना। नहीं, जब ये लाइट वहां ले जाऊंगा तब तब इधर तो गिर ना जाए। कुछ नहीं होगा, मैं 10 सेकंड में आ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। और ये पेंटिंग्स लेके आए हम ड्राइंग रूम के लिए, ये वाली चले लगाएं इसको उधर। क्या है तुमको पन्निया फाड़ने का? अब बस ये लास्ट काउंटडाउन कर रहा हूँ मैं। क्या? हाँ, पन्नी फाड़ने का, इसके बाद कोई काउंटडाउन नहीं। ये ना सेंसर वाला टच से ऑन एंड ऑफ होता है, मतलब ऑन एंड ऑफ नहीं होता है, इसमें भी 3 कलर चेंज होते हैं, वार्म, नेचुरल वाइट और एक कौन सा होता है, वार्म लाइटर, नहीं एक वार्म होता है नेचुरल वाइट और एक लाइटर वार्म है, हां एक वार्म एक नेचुरल वाइट, एक नेचुरल हो गया, एक कूल, कूल वाइट। हां चलो अब 10, लाइट भी आजकल कूल होने लगी है। 10 8, हाँ वार्म जलाना और वो वाली लाइटें भी जला दो, एक बार देखूं कैसा लग रहा है बेडरूम। इसने बेडरूम में तहलका मचा दिया। 5 4 3 2 1 देखो ऐसे मजा नहीं आया, अब करूंगा ऐसे। बेटा अंदर का ना कुछ करना, बता इतना अच्छा सजा हुआ था इसको। क्या मजा आ रहा है इसको, वो देना मेरा हथौड़ा कुछ तो। हथौड़ा आज ये लगता है लाइट जला के सो गए आप हैं, सारी लाइटें जला के सो। कपड़े कपड़े को मत कर देना कुछ। बस ये पर्दे चेंज हो जाए।
दिमाग खराब हो गया क्या? वाह, दाल चावल का नशा चढ़ गया क्या तुम्हें? आराम से, आराम से, तरीके से खील होंगी पीछे। स्टेपलर लगा होता पीछे। और संडे के दिन एक आधे और काम हुए थे जो मैंने शूट किए हैं, लेकिन वो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। दिन में हुए थे वो, क्योंकि उसके लिए मैंने कुछ और सोचा हुआ है, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल अब आते हैं मंडे मॉर्निंग पे, मुझे बनाना है टिफ़िन, तो बस उसी की यहाँ पे मैं प्रेप कर रही हूँ। सिद्धार्थ का भी टिफ़िन बनेगा और अपने लिए और हस्बैंड का जो लंच है वो भी मैं अभी प्रिपेयर कर लूँगी। तो उसको आज दो दो चीज़ें मैं दे रही हूँ टिफ़िन में। एक तो पास्ता बनाया है, पास्ता बहुत कम क्वांटिटी में था, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ और भी एक डब्बा में कुछ कर देती हूँ। तो ये पैटीज़ हैं, इनके साथ ब्रेड को मतलब एक सैंडविच का रूप दे के वो मैंने उसके टिफ़िन में ना छोटी छोटी सैंडविच बना के रख दी थी, तो बड़े चाव से खाई उसने, बहुत अच्छा लगा। आज का टिफ़िन पूरा साफ़ आया। पास्ता जब भी जाता है तो पूरा टिफ़िन साफ़ होता है, जब सब्जी रोटी ऐसी कोई चीज़ दो ना तभी बच्चे बचा के लाते हैं। तो चलिए फ़िलहाल एक बहुत अच्छी सी मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जिसका जो इंग्रेडिएंट है वो भी हम घर पे बना रहे हैं। तो पनीर बना रहे हैं, लेकिन पनीर हम सिंपल वाला नहीं बना रहे हैं, मसाला पनीर बना रहे हैं खूब सारे फ्लेवर्स के साथ। तो दूध मैंने यहाँ पे 1.5 किलो लिया था, इसको बॉईल लगा लिया है, और जैसे ही बॉईल आ गया मैंने इसके अंदर डाले हैं चिली फ्लेक्स, तो 1.5 चम्मच के आसपास, छोटा चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स लिया है। फिर हरी मिर्ची भी मैंने इसमें 2 डाली हैं, कम तीखी वाली हैं, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं डाली हैं, और काली मिर्च डाली है। तो तीनों मिर्च हैं, लाल मिर्च, काली मिर्च, हरी मिर्च, तीनों मिर्च डाली है मैंने इसके अंदर। फिर ऐड किया है कसूरी मेथी और थोड़ा सा नमक भी आप इसमें ज़रूर ऐड करें। ये सारी चीज़ें ऐड करनी है आपको दूध में ही, और हल्का सा जब बॉईल आ जाए ना तो फिर लास्ट में विनेगर डालने से ठीक पहले आप इसमें डालिए हरे धनिया के पत्ते, और अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए सारी चीज़ों को। फिर हम डालेंगे विनेगर। तो विनेगर ना पानी में मिक्स करके डालिए, अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो बहुत सारा विनेगर आपको डालना पड़ेगा। तो जैसे 2 बड़े चम्मच पानी है तो 2 बड़े चम्मच विनेगर का आप मिक्स बना लीजिए और उसको धीरे धीरे करके डालिए। डालिए फिर अच्छे से मिक्स कीजिए चम्मच से, फिर डालिए, फिर मिक्स कीजिए, ऐसे ऐसे करके आपको इसे तब तक डालते रहना है जब तक कि ये पूरी तरीके से दूध फट नहीं जाता, पनीर और पानी अलग अलग नहीं हो जाता। और आँच इस टाइम आपको एकदम सिम पे रखनी है, चाहे तो बंद भी कर सकते हैं गैस को। जब ये इस तरीके से अच्छी तरीके से दूध और पनीर अलग अलग हो जाए, मतलब पानी और पनीर अलग अलग हो जाए, तो आप फिर एक बॉयल ज़रूर लगाएं इसमें, गैस को तेज कर दीजिए, एक बॉईल आ जाए, और उसके बाद फिर आप इसको निकाल के अलग रख लीजिए किसी कपड़े में, या अगर आपके पास सांचा है तो उसके अंदर आप इसको सेट कर लीजिए। अभी ये पनीर ना आप ऐसे भी सौते करके प्लेन खाओगे तो भी बहुत डिलीशियस लगेगा, क्योंकि ढेर सारे फ्लेवर हैं इसमें, लेकिन मैं इससे एक रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आटा लगा रहे हैं। आटा लगाने के लिए मैंने नॉर्मल प्लेन आटा लिया है, क्योंकि मैं लच्छा पराठा बना रही हूँ ना, तो आप मैदा भी ले सकते हो, लेकिन मैं आटा ले रही हूँ। इसके अंदर नमक 2 चम्मच, तेल या घी यूज़ कर सकते हैं आप, और आपको बहुत मुलायम नहीं, थोड़ा सख्त करके ही आटा गूंथ के तैयार कर लेना है। तो एकदम लच्छे वाले, खूब सारे लच्छे वाले लच्छा पराठा मैं बनाऊंगी इनसे। साथ ही जो रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ उसमें यूज़ होगा शिमला मिर्च, तो अगर आपके पास तीनों तरीके के कलर हैं तो कट कर लीजिए। मेरे पास येलो एंड ग्रीन था तो मैंने उसको कट कर लिया है। खूब सारे प्याज कट करने, स्लाइस करने, बेसिकली लंबे लंबे आपको कट करने हैं। फिर चाहिए आपको टमाटर, तो 2 मैंने ये छोटे छोटे टमाटर लिए हैं, इनके सीड्स आप हटा लो, और जो बाहर की आउटर कवरिंग है उसको भी आप लंबा लंबा कट कर लो, जैसे हमने प्याज को और शिमला मिर्च को कट किया है। ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इसको आप मतलब ये इतनी बढ़िया रेसिपी है, और मल्टीपल वे में आप इसको यूज़ कर सकते हो। इससे आप रोल भी बना सकते हो, इसको आप एज अ साइड डिश किसी भी गेट टुगेदर में इसको रख सकते हो। ऐसे भी आप इसको सब्ज़ी की तरह रोटी के साथ भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने दही लिया है, लगभग 1 कप दही है। इसके अंदर मैंने नमक डाला है, दोनों तरह के नमक आपको डालने हैं, काला नमक, सफ़ेद नमक। फिर गया है गरम मसाला इसके अंदर, साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी लाल मिर्च, और ये ना कश्मीरी वाली लाल मिर्च है, कलर बहुत अच्छा आएगा इससे, और थोड़ी सी हल्दी भी डाली है, ये बहुत इन्हेंस कर देता है इसके कलर को। फिर हमने तेल डाला है, 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल आपको यूज़ करना है।
आधा चम्मच आप इसमें ना रोस्टेड बेसन का इस्तेमाल करेंगे। नहीं है रोस्टेड बेसन तो सत्तू डाल सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। एक बड़ा चम्मच यानी अच्छा खासा आपको इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है, बढ़िया तरीके से पिसा हुआ पेस्ट चाहिए, एकदम स्मूथ। उसके बाद हमने डाला है इसमें ब्लैक पेपर, और यहाँ पर ये पनीर ना मैंने ऐसे सांचे में जमा के रख दिया था, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। इसको ऐसे भी आप खाओगे ना तो आपको कोई कमी नहीं लगेगी, बहुत ही फ्लेवरफुल ये पनीर बनके तैयार हुआ था। इसको हम मोटे मोटे पीसेस में कट कर लेंगे, बड़े बड़े पीसेस में। दूसरी तरफ हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमने शिमला मिर्च प्याज टमाटर कट करके रखा था लंबा लंबा, वो हम डाल देंगे इस दही के अंदर और अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। हाथ से मिक्स कीजिए ताकि जो दही का मिश्रण है ना वो सारी सब्जियों पे खूब अच्छे से स्प्रेड हो जाए। उसके बाद आपको लेना है नॉनस्टिक पैन, जिसके अंदर आपको ऐड करना है थोड़ा सा सरसों का तेल ही, क्योंकि हमने ऑलरेडी सरसों का तेल यूज़ किया हुआ है मैरिनेशन में। और इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पनीर के पीसेस को ना अच्छी तरीके से सेक लेंगे चारों तरफ से। पहले ये काम इसलिए करना है क्योंकि फिर पनीर के पीसेस अगर आप डायरेक्ट डालोगे ना उसके अंदर तो मे बी ये थोड़े टूट जाएँ, घर के बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई थी मैं इसको सेट होने के लिए, तो इसीलिए मैं इसको पहले थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद जब ये पनीर ना अच्छी तरीके से रोस्ट हो गया तो ये सारी जो सब्जियां हैं ये मैंने इसके ऊपर से ऐड कर दी हैं, और अब इनको खूब रोस्ट करना है। जब आप ऐसे सब्जियां डालोगे ना तो इनसे भी पानी निकलेगा काफ़ी सारा, तो आपको तब तक रोस्ट करना है जब तक सारा पानी अच्छी तरीके से ड्राई नहीं हो जाता, सारे मसाले इन सारी चीज़ों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, पनीर के ऊपर अच्छे से कोट नहीं हो जाते, और तब तक जो हमारी वेजीज भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी, पक जाएंगी। और चलिए अब बना लेते हैं फटाफट लच्छा पराठा। मैंने यहाँ पे ना ये थोड़ी मोटी मोटी स्ट्रिप्स बनाई हैं, लेकिन आपको जितना पतला चाहिए, आपको जितने लच्छे चाहिए अपने पराठे के अंदर, उतनी पतली पतली आप स्ट्रिप्स बना सकते हो। एक्चुअली मुझे टिफ़िन में भी देना है, तो बहुत ज़्यादा अगर पतला बना देंगे ना तो फिर वो जब हम रखेंगे पैक करेंगे ना उसको टिफ़िन के अंदर तो एकदम अलग अलग हो जाएंगे वो, तो इसीलिए मैं थोड़ी मोटी यहाँ पर स्ट्रिप्स रख रही हूँ। अभी खाने के लिए मैं क्या करूँगी ना, रोल बना के दे दूँगी, लेकिन ऑफ़िस ले जाने के लिए रोल तो एकदम सॉगी हो जाने वाला है, तो रोल नहीं बनाऊँगी मैं। ये लच्छे पराठे अलग से पैक कर दूँगी और जो अंदर की स्टफिंग बनाई है वो अलग से पैक कर दूँगी, तो एज आप इसको सब्ज़ी पराठे के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में। अभी मैं इसको ना लगभग 2 मिनट और कुक करने वाली हूँ, लेकिन इस बीच में मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर करके क्रीम ऐड कर दूँगी। ये क्रीम ना इसके अंदर एकदम मैजिक की तरह काम करेगा और इसके फ्लेवर को और इसके जो टेक्सचर है उसको इमीडिएटली बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर देगा। थोड़ी सी क्रीम ज़रूर डालें, ये वाली नहीं है तो फिर आप घर पे जो मलाई निकलती है उसको थोड़ा फेट करके वो ऐड कर दीजिए, पर डालिएगा ज़रूर, 1 चम्मच ही डालना है तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा लगेगा ये। हमने इतनी सारी सब्जियां यूज़ की हैं तो अब आपको बहुत ज़्यादा सब्ज़ी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ जब आप रोल बना रहे हैं तो आप कच्चा प्याज कच्चा टमाटर खीरा वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बट नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेयो थोड़ा सा क्रीम और थोड़ा सा केचप लिया है, इससे अच्छे से मैंने कर दिया है स्प्रेड। ये जो हमने स्टफिंग बनाई है इसको हम बीच में रख देंगे और इसको रोल कर देंगे। और मैंने बताया ही कि अगर आपको सब्जियां और ऐड करनी है कच्ची वाली तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। बाकी ये जो शिमला मिर्च है इसमें क्रंच था, ये ऐसा नहीं है कि एकदम ओवरडन हो गई थी, तो इस तरीके से रोल बना के इंजॉय कीजिए या फिर इस तरीके से आप खाइए। मैंने इसको खाया था खूब सारे सैलड के साथ, साथ में मैंने बेसन का चीला बनाया था
और सब्ज़ी रोटी की तरह मैंने इसको इंजॉय किया था। तो बस यही थी आज की वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।